साइबर सिक्योरिटी इन एजुकेशन इस विषय पर आयोजित इस पंच दिवसीय कार्यशाला के नवे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हमारे इस नवम सत्र में डाटा एंड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन विषय पर विशेषज्ञता के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनसे हमने कल साइबर सिक्योरिटी फॉर वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स विषय पर ज्ञान अर्जन किया था। उनके व्यक्तित्व से आप परिचित हैं, बहुत सहजता और सरलता से वो बहुत ज्यादा गूढ़ तकनीकी विषयों को समझाने में महारत हासिल रखते हैं और हमेशा ही ऑलवेज हैव ए शाइनिंग स्माइल ऑन हिज फेस विच एनकरेजेस द लर्नर्स टू लर्न एज मच दे कैन लर्न। मैं तो बस सर को जो है एक एब्रीवेशन मैंने सोचा था कि जो है सर के नाम में तो हमें तो यही हमेशा उनके व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है। रियली एन अमेजिंग मैन विद असेंशियल स्किल्स टू बी ऑनर्ड। तो वी आर ऑनर्ड सर यू आर विद अस एंड आई रिक्वेस्ट यू एंड आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ टीचिंग लर्निंग सेंटर ऑन बिहाफ ऑफ माई यूनिवर्सिटी श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी टू बी विद अस। हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एनलाइटन अस। थैंक यू सर एंड वेलकम सर। थैंक यू जितेंद्र जी। टूडे वी आर गोइंग टू एग्जामिन व्हाट आर वेरियस डाटा एंड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन टिप्स, और फिर उसके बाद कैसे यदि आप ऑनलाइन मीडिया पर हैं तो किस तरीके से क्या हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहली टिप तो ये होती है कि कभी भी अननोन लिंक्स को नहीं खोलें। और आजकल तो लोग इतने चालाक हो गए हैं, वो ठीक है, आप अपना, यदि मैं अभी आपको अपना स्पैम फोल्डर खोल के दिखाऊं तो मेरे ख्याल में मैं बिल गेट्स से ज्यादा अमीर आदमी हो सकता हूं, क्योंकि चार ईमेल तो अभी भी पड़ी होंगी मेरे ईमेल के अंदर कि अफ्रीका के अंदर कोई एक राजा था, वो मर गया, तो उसकी जो विधवा है अब उसके पास करोड़ों डॉलर है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसका वो क्या करेगी। तो उसने मुझे ईमेल भेजा है, हाई डियर एंड आई वांट टू हैव ए यू नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद यू, आई हैव सो मेनी मिलियन डॉलर्स एंड आई वांट टू गिव इट टू यू। बहुत बढ़िया बात है, मेरे ख्याल में आप लोगों को भी आते होंगे ऐसे तो, और आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे लोग उल्लू बनते भी हैं। गूगल पे आप सर्च करें, मेरे को अब याद आ रहा है, मैं थोड़ी देर पहले यदि मुझे ये चीज याद आ जाती कि मुझे आपको ये एग्जांपल देना है तो मैं उसको ढूंढ के भी रखता, बट आप लोग उसको सर्च करें। ये दिल्ली का केस आपको बता रहा हूँ, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट, और आप में से जो यदि कोई डेंटिस्ट की दुकान पे गया होगा तो जानते होंगे कि उनके इंस्ट्रूमेंट कितने डरावने भी होते हैं, और वो जबड़े में से जब आपका दांत निकालेगा तो कितने सॉलिड स्टेट उनके इक्विपमेंट होते हैं, फुल्ली प्योर स्टेनलेस स्टील, देयर इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हेयर इज दिस डॉक्टर, शी इज डेंटिस्ट, उसको एक ईमेल आती है एक बार कि, और ये रियल केस आपको बता रहा हूँ जो अखबारों में छपा भी था, उसको एक ईमेल आती है कि डियर डॉक्टर दिस एंड दिस, आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर इन अमेरिका एंड आई हैव माय इक्विपमेंट्स विद मी एंड आई वांट टू शेयर देम विद यू, बिकॉज वो उसको लगता है कि नॉर्मल होगा, फिर वो और उसे कम्युनिकेट ईमेल से उसको मैसेज भेजती है कि ओके आई एम इंटरेस्टेड, लेट मी हैव डिटेल्स, बट आई वांट टू नो दैट व्हाई यू आर शेयरिंग दिस इक्विपमेंट्स विद मी। तो बोलता है कि नो, माय लास्ट पोस्टिंग वाज इन इराक, आई वाज वर्किंग देयर एंड सिंस माय ड्यूटी इज ओवर एंड आई कैन नॉट टेक माय दिस इक्विपमेंट्स बैक विद मी, सो आई एम थिंकिंग दैट इफ आई कैन गिव इट टू समवन एंड इफ दे कैन मेक यूज ऑफ इट, बिकॉज आई कांट टेक देम विद मी बैक टू अमेरिका विद मी। तो उसको भी लगा कि हाँ जेन्युइन होगा ये, तो कहती ठीक है भेज दीजिए। उसने उससे उसका एड्रेस मांगा कि मुझे बता दो कहाँ पर भेजनी है, उसने उसको अपना एड्रेस भी दे दिया। उसके बाद उसको एक वो कहता है कि ठीक है मैं आपके नाम का ये पैकेट भेज रहा हूँ, सब ठीक है, इतनी देर तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर को फोन आता है कि जी मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट से,
आपके नाम का एक पार्सल आया है, लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल पार्सल है तो इस पे ड्यूटी लगेगी। तो वो कहते हैं जी कहाँ से क्या पार्सल आया? कहते नहीं आपका नाम लिखा हुआ, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये इसका इतना ड्यूटी बनता है 2-3 लाख रुपए का, ये आप ये हमारा लिंक है यहाँ पे आप इसको पे कर दीजिए। उसने उसको पे कर दिया, ये सोच के कि करोड़ों के आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, खाली ड्यूटी ही पे करनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी ठीक है, मैं कब लेने आऊँ? कहते जी हाँ ठीक है, अब आपने जो पेमेंट की है इसके एक वो रसीट जनरेट होगी, वो लेके आप 2-4 दिन के बाद आप एयरपोर्ट पे आ जाओ, मेरी ड्यूटी इस वक्त से इस वक्त होती है। अब वो पहुंच गई एयरपोर्ट कागज लेके, कहाँ तो पैकेट आना था, कहाँ वो इंस्पेक्टर होना था, कोई कुछ नहीं। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैडम पहली बात तो हम ऐसे कभी किसी को फोन नहीं किया करते कि जी आपके नाम का ही आया हुआ है, आपको आपका ही आता है और आप अपने आप अपने उसकी ट्रैकिंग करके अपने वो करते। आप ये देखिए ये ऐसा एक एक डॉक्टर तक के लोग इस तरीके से। बेसिकली क्या है कि इंटरनेट के ऊपर ये जो इस किस्म के होते हैं इनका केवल पीछे एक एक ही रीजन होता है, लालच, ग्रीड, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। हम लोगों को लालच दिया जाता है किसी भी चीज का और हम बड़ी जल्दी लालच में फंस जाते हैं। इतनी मार्केट में आईफोन को आप देखिए, शुरू शुरू के अंदर कितने सारे वो चीजें चली थी कि नहीं ये आपको फोन हम सस्ते में दे रहे हैं। क्यों सस्ते में दे रहे हो? कंपनी का प्रमोशन है। देखो इंडिया के अंदर भी चला था, आई थिंक इंडिया फ्रीडम के नाम से किसी ने एक फोन निकाला था 251 रुपए का और करोड़ों रुपए ले लिया था, भाई साहब का आज तक पता नहीं है कहाँ चले गए। और बहुत सारे लोगों ने बुक भी कराया था वो इंडिया फ्रीडम के नाम से 251 रुपए में, 251 रुपए में मोबाइल कौन देगा? वो जैसे हमने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने भी शुरू में सिम कार्ड फ्री में बेचे थे और वो उनका भी एक CDMA बेस्ड मोबाइल फोन आया था, बहुत लोगों ने CDMA भी ये ले लिया था ये सोच के कि नहीं 500 रुपए में फोन मिल रहा है ले लो, बाद में इसकी चिप चेंज करा के इसको GSM में कन्वर्ट करा लेंगे। आप में से जो टेक्नोलॉजी जानते होंगे CDMA और GSM ये दो तरह के चिप चलते हैं। नॉर्मल जो हमारा GSM होता है उसके अंदर आप कोई भी सिम कार्ड डाल के वो चलेगा, आइडिया का हो, एयरटेल का हो, जो भी हो, बट दैट CDMA वाला जो उसके अंदर चिप है वो फिक्स है और आपको उसी कंपनी से वो करना पड़ेगा। तो लोगों को लगा ले लेते हैं बाद में चेंज करा लेंगे और शुरू में दे वर नॉट एबल टू अनलॉक दैट फोन दैट वे, बट दैट वाज ए जेन्युइन थिंग, वो जो था ये वाला जो केस था, बट अदरवाइज मेनी थिंग्स दे हैपन लाइक दैट। क्वेश्चन हियर इज दैट आजकल लोग ठीक है अब हम चालाक हो गए हैं कि हम भी अननोन लिंक होगा तो नहीं खोलेंगे, बट जो स्पैमर्स हैं जो इस किस्म के हमें अटैक करते हैं वो हमसे भी एक कदम आगे चलते हैं। वो क्या करेंगे, वो वेबसाइट को इतना एग्जैक्टली सेम तरीके से बनाएंगे कि आपको लगेगा कि ये रियल वेबसाइट है। इसलिए आप देखो बैंक वाले भी जब आपको वो आपका एक सिक्योरिटी मैसेज भेजते हैं तो भी वही कहते हैं कि आप कभी भी ईमेल के अंदर से कोई बैंक का लिंक आ रहा है तो उसको कभी भी क्लिक ना करो, क्योंकि वो यदि आप खोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये HDFC बैंक की वेबसाइट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट आप बना लो। आजकल वेबसाइट बनाने में क्या देर लगती है, कलर है, प्लेसमेंट है, वो सारी चीजें करनी है, फॉन्ट है, टेक्स्ट है। मैं 2 कंप्यूटर रखता हूँ साइड में, ओरिजिनल वेबसाइट HDFC की खोली और अपनी वेब डिजाइनिंग की, बिल्कुल डिटो, यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कैसे होगा, उसके URL से, उसमें HTTPS जो कल आपको सेशन लिया उसमें आपको बताया गया होगा। तो सबसे पहली चीज तो यही है, कभी भी जो भी अननोन हो, चाहे उसमें आपको फ्री में लाखों का आपको ये बताया जा रहा हो कि जी आप इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनोगे, वो भी डोंट बिलीव इट, सिंपल थिंग। दूसरी चीज, मुझे याद है कल मैंने आपको सिंगल साइन अप लॉगिन बताया था, बट डिफरेंट पर्पज के लिए इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया टू क्रिएट डिफरेंट पासवर्ड्स। तो ठीक है एक चैलेंज जरूर है कि इतने सारे पासवर्ड कौन याद रखेगा, हालांकि उसके लिए भी एक सॉल्यूशन आ गया है सॉफ्टवेयर का कि जिसमें, और यदि आप लोग याहू यूज करते हो तो आजकल याहू भी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, यदि आपको कोई एक ईमेल आती है जिसके अंदर आपको पासवर्ड वर्ड है तो याहू के पेज के ऊपर टॉप के अंदर वो आपको पासवर्ड मैनेज करने के लिए एक वो दिखाएगा कि आप हमारे याहू के अंदर अपना पासवर्ड सेव कर लो। तो There are certain password management tools which you can use
to save those parts, and they are very secure, not a problem in using those things there. But it is a good idea to think of different passwords. Single password har website use rakhne mein problem kya hai, wo nikal gaya to aapki various websites, they can become vulnerable. So that is the thing. Uske baad next, kabhi bhi apni jo PII kya hota hai, personal information identification, इसको ना तो स्टोर करना चाहिए अपने जो सेंसिटिव डिवाइसेस हैं उनके ऊपर, और ना ही कभी किसी के साथ आप शेयर करो बाय आइदर बाय एसएमएस और चैट और ऑनलाइन एप्लीकेशंस और ईमेल्स. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन से डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और एनीथिंग, बच्चों के नाम और ये वो, दोस थिंग्स, दे आर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. Do not share with those things which you think that they don't belong to that where you are going to share with them. So be careful of that information. ये एक ऐसी चीज है जो mostly हम नहीं करते. Fine print को read करना. आपने कोई app install करनी है, कोई और कुछ करना है, कोई software install करना है, तो वो सबसे पहला काम आपसे यही कहता है कि आपको मेरे इस जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उनको पढ़ के एग्री कीजिए, और हम सिंपली एग्री ही कर लेते हैं, वी डू नॉट रीड इट. एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द वेबसाइट्स समटाइम्स दे हैव सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, हमें लेटर ऑन पता चलता है कि हमने किस चीज को एग्री कर लिया था. इसके अंदर लिखा हुआ होगा कि वी विल मेक यूज ऑफ योर इंफॉर्मेशन इन दिस वे, वी विल प्लेस सर्टेन कुकीज इन योर कंप्यूटर सिस्टम, वी विल यूज योर इंफॉर्मेशन फॉर थर्ड पार्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, और लेटर ऑन पर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी प्रूव करेगी कि यू एग्रीड टू अवर टर्म्स एंड कंडीशंस. सो अभी जैसे शायद पिछले नहीं आपके सेशन में नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल किसी दूसरे में दिया था. अभी जैसे हम जूम यूज कर रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, और पिछले दिनों जब से चाइना से लड़ाई हुई थी तो बहुत लोगों में देशभक्ति भी जाग रही थी कि हम अपना खुद का कोई वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल क्यों नहीं बनाते. ओके, बनाया ना रिलायंस भाइयों ने, बनाया जियो मीट से. और हो सकता है यदि आप में से किसी ने खुद भी उसको यूज किया हो तो उसके अंदर मैंने जब उसको अपने फोन पे इंस्टॉल किया, एंड व्हेन आई वाज रीडिंग देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, वन ऑफ द कंडीशन आई फाउंड वेरी फनी, and that was that the app was asking me the permission to edit my contact list. Ab contact list access karna alag baat hai, why do you want to edit the contact list? Aur editing ka matlab hai ki abhi meri contact list mein professor amita pande bhardwaj inka naam save hai, to kal ko to ye chahe to unko professor amita ambani bana denge. एडिट कर रहे हैं ना, व्हाई आर यू एडिटिंग इट? सो दोस थिंग्स दे नीड टू बी आई इंस्टॉल्ड, एंड लेटर ऑन आई अनइंस्टॉल्ड इट बिकॉज आई वाज हैविंग सम ट्रबल विद यूजिंग दैट जियो मीट विद माय फोन. सो वी वर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, द डे इट वाज रिलीज्ड वी यूज्ड इट टू सी दैट हाउ यू नो इफेक्टिव इट विल बी बिकॉज इट इज आवर ओन इंडियन प्रोडक्ट फॉर वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स लाइक दैट. बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया just to say particularly mobile phone ke andar, kyunki nowadays most of the things which we are using it using our mobile phone, so we save our bank details in our mobile phone details somewhere, maybe in the notes section or WhatsApp mein bhi kai baar log dal ke rakhte hain, those things there. And particularly I think yesterday Deepak ji must have shown you some experiment then on how in the name of someone you can send an email which will look exactly genuine email coming from the genuine person. Those things, they become very important for you. Next is avoiding unnecessary access given to the applications, kyunki wo to yes or no ka hota hai uske andar, you can agree, you don't agree. In many applications if you say no, still they will be installed. In some of the applications if you say no, they want to install, but that is okay because maybe unless you don't need it
100% आप लोगों का गुजारा हो सकता है उस ऐप के बिना। ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक वो ऐप आप इंस्टॉल नहीं करेंगे आपका काम ही नहीं चलेगा। और यदि ऐसी सिचुएशन है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है तो फिर कर लीजिए फिर उसको। तो बट बी केयरफुल अबाउट इट बाई गिविंग हाउ मच एक्सेस टू एन ऐप यू आर गिविंग इट टू। ये सेम चीज होती है कंप्यूटर के ऊपर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से। कोई भी एप्लीकेशन आप करेंगे वो आपसे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़वाएगा और मनवाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। कंप्यूटर के ऊपर जब आप इंस्टॉल कर रहे हो ऑन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू से नो इट विल टेल यू दैट यू कांट इंस्टॉल इट देयर। इन दैट केस गो फॉर ओपन एक्सेस। सो इन ओपन एक्सेस यू हैव मोर फ्रीडम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स बिकॉज दे हैव बीन डेवलप्ड बाय कम्युनिटी और दे डोंट हैव एनी बिजनेस इंटरेस्ट विद देम। देन हाउ टू टेक ऑनलाइन प्रिकॉशन पर्टिकुलरली कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या ऑनलाइन मीडिया में डाल रहे हैं एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और अदर मीडिया विच बिकम इमीजिएटली विजिबल टू एनी अदर पर्सन दोज थिंग्स। देन सम गुड टिप्स मेरा ख्याल है कल आपके सेशन में उन्होंने आपको बताया भी होगा बट अगेन let's reconsider this. It is always a good idea to backup your data. Backup means nowadays you have these kind of external disks with you and not only an external disk, aajkal to USB jo pen drive hai wo bhi badi high capacity ki aapko milti hai. Yadi aapko ye lagta hai ki you have some, say for example if you are doing your PhD and you are writing your thesis और वो लास्ट स्टेज में था अचानक आप लोगों का आपकी लैपटॉप क्रैश हो गई गया सब कुछ। इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया टू कीप ए बैकअप ऑफ योर सेंसिटिव डाटा समवेयर। पुटिंग इट ऑन ए क्लाउड इज ए गुड आइडिया। क्लाउड मींस लाइक योर गूगल ड्राइव बिकॉज योर जीमेल आईडी गिव्स यू 15 GB और आपको कोई मना नहीं कर रहा। गूगल का भी आपको ये नहीं कहेगा कि आज आप 10 ईमेल आईडी क्यों नहीं खोल सकते। खोल सकते हो आप 25 खोल लो 50 खोल लो 1000 खोल लो। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इफ इट बिकम्स इनएक्टिव इफ यू डोंट यूज इट आफ्टर दैट सम टाइम्स दे मे यू नो जस्ट क्लियर इट ऑल द डाटा फ्रॉम हेयर इफ यू हैव यू आर नॉट यूजिंग इट आफ्टर क्रिएटिंग इट आफ्टर सर्टेन टाइम। बट सो यू हैव गूगल ड्राइव यू हैव ड्रॉप बॉक्स यू हैव वन ड्राइव देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू पुट योर डाटा इनटू द क्लाउड। दूसरा उसका ये भी फायदा होता है बैकअप कैन बी टेकन इन गूगल ड्राइव। यस यू कैन कीप बैकअप। बैकअप देखिए दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोमेटिक बैकअप। ऑटोमेटिक बैकअप जो सिस्टम जनरेट करता है आपके लिए। दूसरा सिंपली आप कॉपी एंड शिफ्ट देयर योर डाटा द फिजिकल डाटा एज सच। जो आप लोग एक्सटर्नल ड्राइव यूज करते हैं जैसे विंस्टन का है बहुत सारी कंपनियां एक्सटर्नल डिस्क देती हैं आपको। जब आप उसको यूएसबी से जोड़ के आप अपने लैपटॉप पे लगाएंगे और उसका एक बटन दबाएंगे सो इट टेक्स आल्सो ऑटोमेटिक बैकअप। वो बैकअप क्या होता है कि एक तरीके से एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है। सो दैट इज द ऑटोमेटिक बैकअप बाय द मशीन बाय द इक्विपमेंट देयर दैट गोज इनटू द एनक्रिप्टेड फॉर्म। और यदि आपने एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपके कंप्यूटर में है उसको उठा के आपने वहां पे शिफ्ट किया है मूव किया है या कॉपी किया है दैट रिमेन्स एज सच देयर। बट मेनी पीपल दे यूज इट। आई पुट माय लॉट ऑफ डाटा ऑन माय गूगल ड्राइव एज ए बैकअप ऑप्शन बिकॉज देन आई कैन रिट्रीव इट फ्रॉम एनीवेयर व्हेनेवर इट इज नीडेड यूजिंग इवन माय मोबाइल फोन फ्रॉम देयर। यदि आप मान लीजिए आपकी कोई लैपटॉप पुरानी हो गई या आपके घर में कोई डेस्कटॉप है जिसको आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं be careful that there are tools which can retrieve data from your old hard disk. सबसे अच्छा ये और आपने हॉलीवुड की मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि वो जब कोई कंपनी है जिसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं और उसके ऊपर पुलिस का रेड होना है तो वो अपने कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर इट द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय ए हार्ड डिस्क इज टू ड्रिल इट ड्रिलिंग मशीन से। अदरवाइज यदि आप सोचते हैं कि आप वैसे फाइल्स को डिलीट कर रहे हैं द डिलीटेड फाइल्स कैन बी अनडिलीटेड इवन वो आप कल मेरे को ध्यान है आप लोग सीएमडी वगैरह को वो जो यूज कर रहे थे इवन थ्रू दैट कमांड प्रॉम्प्ट यू कैन
undelete the deleted files from your computer. Because once a file is there in the computer and if you delete it, you think that it is deleted. But for computer, it is not deleted. It is still there. What is the deleted? The index is deleted only there from the system. Since there is no index, you won't be able to search it. And we think that the file has been deleted, but no, it has not been deleted. It's still there in the hard disk somewhere. Keep your operating system always updated, because most of the operating systems, they always, it's a race between the attackers, the virus spreaders, and the software makers. तो सॉफ्टवेयर वाला ये कर इतना प्रोटेक्शन कर ले, कहेगा कोई बात नहीं, मैं एक ये बना देता हूँ, फिर वो दूसरा करेगा, फिर वो उससे करेगा, तो वो चलता रहता है. दैट्स वाई ऑलवेज, यदि अभी आप देखें, शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ATM मशीन्स हैं वो अभी तक विंडोज 7 पे ऑपरेट कर रहे हैं. पता नहीं, शायद अब चेंज कर लिया हो, बिकॉज इसका मीडिया में काफ़ी उछाल आ गया, और इसीलिए जो हैकिंग है, पासवर्ड स्टीलिंग है, वो सारा हो रहा था वो उसके ऊपर. The Microsoft company has 10 years ago stopped providing service support to Windows 7 operating system. Not anymore. And that's why they become vulnerable. Keep it updated always. Many softwares, they allow you, ask you that to have the update automatic. But in my case, there are three settings. Never update. ऑटोमेटिक अपडेट, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आपकी मशीन ऑटोमेटिक अपडेट कर देगी. और तीसरा है आस्क मी टू अपडेट. मेरे केस में मैं आस्क मी टू अपडेट करता हूँ. जैसे एडोब को अपडेट होना है, तो वो जब अपडेट कर लेगा तो मुझे, जैसे ही मैं मशीन ऑन करूंगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा दैट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ एडोब फ्लैश इज अवेलेबल, डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल इट. देन आई इंस्टॉल इट, आई डू नॉट अलाउ इट. एंड दैट्स वाई मेरे ख्याल में कल आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जी मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो लूप में चला जाता है, वो समथिंग है. दोज थिंग्स दे हैपन दैट इफ यू आर अपडेटिंग योर सेल्फ और इफ यू आर लेटिंग द सॉफ्टवेयर अपडेट एंड वेन. इसीलिए आपने देखा होगा, आपको वो मैसेज आता है, प्लीज डू नॉट अनप्लग योर मशीन टिल इट अपडेट्स. किसी वजह से आपका बैटरी पूरा हो गया, लाइट चला गया, समथिंग हो गया, फाइल करप्ट हो जाएगा. फाइल करप्ट हो जाने से नहीं मिलेगा. हाउ टू रिकवर डॉक्यूमेंट, देर आर वेरियस टूल्स टू रिकवर डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर हार्ड डिस्क. यू कैन मेक ए गूगल सर्च ऑन डाटा रिकवरी टूल्स. देर आर मैनी फ्री सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बट दोज फ्री सॉफ्टवेयर दे आर नॉट दैट पावरफुल. जो प्रोफेशनल टूल्स हैं दे आर वेरी गुड. आई नो इन दिल्ली इन नेहरू प्लेस देर आर सर्टेन शॉप्स विच हैव दोज टूल्स विद दैम. And then many people go with their USB, with their hard disk to get the data retrieved. वो कहता है कि जी corrupt हो गई, उसके हिसाब से वो नहीं निकल रहा वहाँ पर. Okay. फिर उसके बाद important चीज़ है कि आपका जो wireless network है Wi-Fi, उसको secure रखिए. उसका password इस किस्म से रखिए. Otherwise क्या है कि लोग ये US में security करने के लिए काफ़ी लोग करते हैं, वो अपनी कार के अंदर अपना लैपटॉप लेके एरिया के अंदर घूमते रहेंगे और देखेंगे कि किसका नेटवर्क, किसका वाईफाई वीक है. और ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो आप खुद भी चेक कर सकते हो. यू कैन क्रैक द वाईफाई नेटवर्क पासवर्ड ऑफ योर नेबर्स इफ यू आर गेटिंग ए गुड सिग्नल. देर आर सर्टेन टूल्स विच इट कैन शो यू. यू कैन मेक ए गूगल सर्च ऑन, देर आर गूगल वीडियोज ऑल्सो जहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी इस किस्म की चीजों पर. तो हैकिंग करने वालों के लिए ये बड़ा इजी होता है किस तरीके से वो हैक करें. इसलिए आपके जो पासवर्ड का, जैसे एक इंटरनेट के ऊपर एक जोक है, कोई किसी से मिलने आया तो उसने कहा कि जी क्या मैं आपका वाईफाई यूज कर लूँ थोड़ी देर के लिए. वो कहता है हाँ कर लो. तो कहता है कि ऑन है? कहता हाँ ऑन है. तो वो फोन देख के वो कहता है अरे इसमें तो ये नेटवर्क दिखा रहा है FBI. तो कहता है कि हाँ मैंने अपने इसका नाम ही ऐसे रखा हुआ है FBI CBI, ताकि सामने वाला ये सोचे कि ये पुलिस वालों का नेटवर्क है, इससे छेड़खानी नहीं करनी. सो व्हाट नेम यू गिव टू योर नेटवर्क, व्हाट पासवर्ड यू चूज फॉर योर नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिंपल 1 2 3 4 वाला पासवर्ड यूज करते हैं. बिलीव मी, स्टिल द पीपल आर देयर हु यूज दिस काइंड ऑफ पासवर्ड्स. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है.
और इसमें आप हंसोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा यंगर ब्रदर ही इज इन यूके, इंग्लैंड में, ही इज ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर देयर. सो लॉन्ग बैक, अभी आजकल तो मीन्स चीजें बड़ी कॉमन हो गई हैं. वंस आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड ही सेड दैट माई कंप्यूटर वॉज सडनली शट डाउन. मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आप लोगों के पास यूपीएस नहीं है? ही वाज सरप्राइज्ड, ही आस्क्ड मी व्हाट इज यूपीएस. मैंने कहा नहीं, इंडिया में तो हर कंप्यूटर के ऊपर यूपीएस लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि ये जो बिजली देवता है, इसका पता नहीं कब नाराज हो जाए. और बिजली चली गई, लैपटॉप के अंदर तो बैटरी होती है, बट डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसके ऊपर कोई बैटरी नहीं होती. उसको आपको तो यूपीएस लगाएंगे तो बैटरी, वो बिजली चली गई तो वो यूपीएस ही चलता रहेगा. And he was saying, no, in UK, we never use UPS because our electricity never fails. और यही है अमेरिका के अंदर भी. तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, उनका कंप्यूटर दिन रात ऑन रहता है और उन लोगों के इंटरनेट भी कभी ऑफ नहीं होता, वो उनका इंटरनेट भी हमेशा कनेक्टेड रहता है. ऐसी चीज़ें वुलनरेबल हो जाती हैं. गुड आइडिया इज वेन यू आर नॉट यूजिंग योर मशीन, इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया. कई लोग आपने देखा होगा ना, वो ढक्कन बंद कर देते हैं अपने लैपटॉप का. That goes into the sleep mode, but it is still not in the there. So always a good idea to turn your machine off. Use a firewall. Firewall antivirus softwares provide करते हैं. Windows का security आपने कल किया होगा. Provide a firewall. That is the first step you use so that the extra people, non-wanted people, they do not cross your security to access your disk. Computer के अंदर दो ही main चीज होती हैं, उसकी memory और आपका जो hard, everything is stored in the hard disk with CPU and other those channels. जो जितना भी स्टोर है वो सारा आपकी hard disk के अंदर स्टोर हो रहा है. उस hard disk को आप कितना क्या protect कर सकते हैं? आपने देखा होगा कुछ institutions में यदि आप जाएं, आपने कभी ध्यान दिया आपकी laptop का जो corner होता है, आप यदि आप में से जो laptop देख रहे होंगे तो उस लैपटॉप के एक कॉर्नर में जहाँ पे आपका ये जो एलसीडी स्क्रीन है उसके साइड में कोने में वहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है. कभी ध्यान दिया वो किस लिए होता है? आई एम नॉट आस्किंग यू कि जिसमें आपका बैटरी अडप्टर वाला जो छेद है वो उसमें जा रहा है. नो, देर इज वन मोर, दैट इज टू फिजिकली सिक्योर योर मशीन विद योर टेबल. तो उसके लिए एक वो स्टील का वायर आता है, आप उसे हुक कर दीजिए उसको, और उस हुक को फिर आप अपनी टेबल पे, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको ये लगता है कि आपके बॉस आपको रेगुलरली बुलाते रहते हैं, तो आप अपने लैपटॉप को या अपने कमरे को हमेशा तो लॉक नहीं कर सकते. तो उसके लिए अपनी मशीन को फिजिकल, उसको बोला जाता है फिजिकल लॉक. एटलीस्ट आपकी मशीन को फिजिकली उठा के नहीं ले जा सकता वो उसी तरीके से. देन एक ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये आपको इसके बारे में भूपेंद्र जी बता भी चुके हैं पहले, बट आपको शायद इसका नाम नहीं पता होगा. इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज. प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज है कि आप किस कैपेसिटी में कहां पर क्या काम कर रहे हैं. इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर हैज द मैक्सिमम एक्सेस टू द सिस्टम. और आप अपने कंप्यूटर में, मुझे याद आ रहा है शायद कल आप लोगों को बताया भी होगा जब आप अपने कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, दैट यू कैन लॉग इन टू योर सिस्टम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक सर्टेन चेंजेस. बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स इन योर कंप्यूटर, बट प्लीज डू नॉट लॉग इन टू योर कंप्यूटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अनलेस इट इज नॉट नीडेड. यूजर के तौर पे ही यूज कीजिए उसको, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नहीं. वो क्यों? क्योंकि यदि आप किसी वजह से आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लॉग इन है और आपकी मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है, किसी वजह से आपको उठ के पानी पीना है और आप चले गए वहां से, दूसरा आदमी आके इमीजिएटली आपके डाटा के साथ छेड़खानी कर सकता है. और उनको जरूरी नहीं है कि वो बैठे रहें आपकी मशीन के ऊपर, इवन थ्रू वाईफाई. और इवन एक मिनट लगता उनको, मिनट के आजकल तो सेकंड्स के अंदर, दे विल जस्ट कम टू योर मशीन, गो टू सीएमडी, इंस्टॉल समथिंग प्रोग्राम देयर एंड गो अवे. जितनी देर में आप पानी पी के वापस आएंगे उतनी देर में तो आपकी मशीन कुछ ना कुछ उसमें हो चुका होगा. इसको बोला जाता है प्रिविलेज, लिस्ट प्रिविलेज. यूज योर मशीन एज ए यूजर, नॉट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. दिस इज समथिंग टेक्निकल इन नेचर.
देन दिस इज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज इट. हम लोग मोस्टली पासवर्ड यूज करते हैं, लेकिन मैं पास फ्रेस यूज करता हूँ. पास फ्रेस क्या है? लॉन्गर पासवर्ड. जैसे आज मौसम सुहाना है, यू कैन यूज. कंप्यूटर विल नेवर आस्क कि भैया ये क्यों यूज कर रहे हो. कंप्यूटर सेज के मिनिमम और मैक्सिमम इतना होना चाहिए, अपर केस लोअर केस एक न्यूमर एक धकड़ा फलाना, ये चीजें होनी चाहिए. कुछ वेबसाइट्स पे जैसे मॉडल आप यूज करते हो उसमें आपको बताता है कि क्या क्या होना चाहिए. बट पास फ्रेस इज ए गुड बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डी कोड ए पास फ्रेस. बट उसके अंदर एक चैलेंज है कि आपको खुद फिर वो स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए. जैसे मैं यदि एक पास फ्रेस बनाऊं, जितेंद्र जी इज माई फ्रेंड, आई कैन यूज इट वेरी वेल एज ए पासवर्ड, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बट डी कोड इट बिकॉज नो बडी थिंक्स के पासवर्ड इतना लंबा भी हो सकता है. जितना लंबा पासवर्ड आप बनाएंगे उसको क्रैक करने में उतनी ही डिफिकल्टी आती है. जितना छोटा होगा उतना ईजी होता है. और आजकल जो हैकिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो छोटे पासवर्ड को तो मिनटों में क्रैक करके बता देंगे कि ये आपका पासवर्ड था. दैट वे यूज पास फ्रेज. पास फ्रेज मीन्स ए लॉन्गर सेंटेंस. यू कैन यूज इट एनीथिंग लाइक दैट. आजकल आपका जो सिम कार्ड फोन का है या यूएसबी ड्राइव है उसके अंदर जब आप डाटा को सेव करते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन भी देता है कि आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो किसी वजह से. मान लीजिए आपकी यूएसबी है, छोटी सी चीज है, जेब में से निकल के गिर सकती है, आप खुद भूल सकते हो. लोग अपने की रिंग के अंदर उसको लगा के रखते हैं. सिम कार्ड है, आपने किसी को फोन दिया, उसने निकाल लिया सिम कार्ड वगैरह वगैरह. यू कैन एनक्रिप्ट योर डाटा इन टू इट. और एनक्रिप्शन टूल्स आते हैं जो आपके डाटा को चेंज कर देंगे और आपको एक की दे देंगे. उसी की को आप यूज करके आप डाटा को दोबारा से जैसा आपको रॉ फॉर्म में था वैसा आप उसको यूज कर सकते हैं. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस दैट हाउ वी कैन स्टोर इट देयर. बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आपको किसी फाइल को या मीडिया को, मीडिया यहाँ पर है जैसे आजकल तो लैपटॉप में नहीं आता, बट पुरानी जो लैपटॉप है उनके अंदर एक सीडी ड्राइव होती थी. आजकल तो वो मीडिया कार्ड आ गया छोटा सा, बट सीडी ड्राइव. लेकिन इन मीडियाज को, इसको हम बोलते हैं मीडिया, कि आपकी लैपटॉप में आपकी मशीन में कितने यूएसबी पोर्ट हैं. क्योंकि लोगों को डाटा स्टील करने को क्या होगा, कॉपी करेंगे वो. यदि इंटरनेट से नहीं जा पा रहे हैं तो फिजिकल एक्सेस चाहिए आपकी मशीन के लिए. और आपने ढेर सारी मूवीज भी देखी होंगी, वो जल्दी से आएगा आपके यूएसबी में, अपनी यूएसबी डलाएगा, खटखट खटखट करेगा और डाटा कॉपी करेगा वहां से. यू कैन वेरी वेल इन योर मशीन, वेदर इट इज योर कंप्यूटर पीसी और योर लैपटॉप, यू कैन डिसएबल मीडिया. यू कैन डिसएबल योर सीडी रोम. यू कैन डिसएबल योर यूएसबीज. यू कैन सो मेनी थिंग्स सो दैट इवन इफ समवन अटैचेस दोस थिंग्स टू योर मशीन दे वोंट बी एबल टू यूज इट. So you can do that. ये है वो फाइल को डिलीट होने के बाद भी. You can overwrite those files. Suppose I have a file with name like jitender.doc and I have deleted it. What I can do? I can still create another file with the same name and I can keep on deleting 2-3 times. That is to confuse the computer. Yes, आप लोग कंप्यूटर को मूर्ख भी बना सकते हैं. कंप्यूटर हमें मोस्टली टाइम मूर्ख बनाता है, बट वी कैन ऑल्सो यू नो फूल द कंप्यूटर टू मेक इट थिंक दैट नाउ दिस फाइल इज देयर. देन यू डिलीट इट अगेन, देन क्रिएट अनदर एंड डिलीट इट अगेन. दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक. आई हैव डन इट सम 20 ईयर्स अगो. दिस काइंड ऑफ थिंग फनी थिंग्स वी डू इट फॉर देयर. एंड देन जब आप लोग फाइल डिलीट करते हो तो आपने तो अपनी तरफ से कर दी, लेकिन आप लोग ये भी भूल जाते हो कई बार कि वो जो आपका बिन है, रिसाइकल बिन, वो उसके अंदर भी पड़ी हुई है. अभी तक जब तक आपने उसको वहां से भी नहीं किया, वो तो बड़ा इजी है. एनी पर्सन कैन टेक इट बैक टू इट्स लोकेशन एंड फ्रॉम देयर कॉपी इट. और सिमिलरली जो आप गूगल ड्राइव के ऊपर भी आपने डाटा जो किया हुआ है वो भी वो रहता है. मेरे गूगल ड्राइव के अंदर मेरा पिछला कई साल पुराना जो फाइलें मैंने डिलीट की थी वो अभी तक है वहां पर. Google is giving me the option कि मैं अभी भी 2 साल पहले जो फाइल डिलीट की थी वो भी मैं चाहूँ तो वापस ला सकता हूँ. तो यदि आपका किसी वजह से सिस्टम हैक हो गया है, आपने सोचा कोई बात नहीं होने तो मैंने तो फाइल डिलीट कर रखी है, यदि आपने अपने ट्रैश में से जाके भी डिलीट नहीं की थी तो आप तो सोचो कि आप इतने आराम से नहीं सोच सकते. दैट इज यू नो एक्सेसिबल टू पीपल फ्रॉम देयर.
फिर अब ये आती है मोबाइल डिवाइसेस के लिए चीजें, कि जब आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, उसकी प्राइवेसी सेटिंग को जरूर चेक करना चाहिए, उसकी रिमोट लोकेशन। ये एक बड़ी अच्छी चीज है, मैं जब मलेशिया में था तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था उसके ऊपर। आप मेरे ख्याल में आप लोगों को शायद कुछ पता होगा कि यदि आपका एंड्रॉयड फोन, मेरे पास एंड्रॉयड फोन है इसलिए आईफोन का मुझे नहीं पता, बट ये उसमें भी होगी बिकॉज आईफोन इज ए बेटर टेक्नोलॉजी, मीन्स एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी दे मे हैव। यदि आपका किसी वजह से मोबाइल फोन गुम हो जाए तो उसके अंदर ऐसी चीजें गूगल से भी, बट कंडीशन दो है, मोबाइल फोन ऑन होना चाहिए, स्विच ऑफ कर दिया तो कोई इलाज नहीं है उसका, और यदि उसके पास वहाँ पे नेट में उसमें है, कोई यूजर उसको यूज कर रहा है, तो आपको ये एग्जैक्टली जितेंद्र जी किस रूम में बैठ के मेरे फोन को यूज कर रहे हैं मैं उनको पकड़ सकता हूँ। सो यू दोस थिंग्स दे आर अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड फोन, यू कैन। मेरा एक आर्टिकल है उसके ऊपर, मैं उसको ढूंढ के आपको शेयर कर सकता हूँ, बट अदरवाइज आप गूगल के अंदर जाके वहाँ से उसकी सर्च कर सकते हो। जब आप कोई ऐप यूज करें इमीडिएटली, जब आप उसको सेटअप कर रहे हैं उसी वक्त उसकी प्राइवेसी सेटिंग चेक करनी चाहिए। यदि आप सोचेंगे कोई बात नहीं एक हफ्ता बाद कर लेंगे, एक हफ्ते में तो यदि आपका डाटा वो ऐप यूज कर रही है, दे कैन टेक इट, इट वोंट टेक मोर टाइम फॉर देम टू कैप्चर योर डाटा फ्रॉम हेयर। एंड देन लॉक, लॉक मीन्स अभी जैसे ये है मेरा फोन, आपको दिख रहा होगा शायद, और मैंने इसके अंदर, अब मैं इसको बटन को दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, और मेरे वाले में सेटिंग है केवल 30 सेकंड की, 30 सेकंड्स, आफ्टर दैट इट विल लॉक। तो थोड़ी कठिनाई तो होती है मुझे कि हर बार मुझे उसको अनलॉक करना पड़ता है, बट फॉर सेफ्टी पर्पज इट इज़ अ गुड थिंग। यदि आपके फोन, मुझे पता है बहुत लोग आपने करा भी होगा ऐसे, मान लीजिए आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और आपके फोन ओपन होना है और आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो और उसके नोटिफिकेशन चमकते रहते हैं वहां पर, तो यदि आपने मान लीजिए फोन को अनलॉक नहीं है और आप मीटिंग में बैठे हैं, ढेर सारे बैठे हैं, फोन आपने टेबल पे रखा हो, तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको तो दिख रहे हैं, वो पड़ोसी को भी दिख रहे हैं वो, और उसको पता है कि आप किससे क्या चैट कर रहे हो और वो आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं, वो जितना भी वो आपको हाई बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं वो दूसरों को भी नजर आएगा। सो बेटर थिंक ऑफ दैट। एंड देन ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ योर मोबाइल डिवाइस डाटा, एंड पर्टिकुलरली आप देखेंगे व्हाट्सएप के अंदर एक ऑटो बैकअप की फैसिलिटी होती है, जो आप, मेरा ख्याल मेरे फोन में रात को 2 बजे वो ऑटोमेटिक बैकअप करके मेरे गूगल ड्राइव के अंदर व्हाट्सएप अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है वो। सो यू कैन चेंज दोज सेटिंग्स, बट दैट इज ए गुड आइडिया टू हैव द मोबाइल डिवाइस टू टेक केयर ऑफ योर ऑटोमेटिक अपडेट इन योर। उस केस में क्या है कि कभी मान लीजिए आपका ये गुम भी हो गया तो आप अपने वहां से गूगल ड्राइव में जाकर वापस अपने बैकअप को लेकर आप अपने व्हाट्सएप को और उसको यू का यू री इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज वो मैसेजेस, फाइल, मीडिया जितना भी है सब चला जाएगा। तो या दिस इज दैट लिंक देयर। ये है आपकी एंड्रॉयड डिवाइस यदि गुम हो जाए तो उसको किस तरीके से, और ये भी कर सकते हैं मान लीजिए कि यदि वो आपको रिट्रीव नहीं हो रहा है, आप अपने एंड्रॉयड फोन को रीसेट कर सकते हो दूसरी जगह बैठ। मेरा फोन यदि गुम हो गया और मान लो वो जितेंद्र जी के पास चला गया और जितेंद्र जी उसको वापस नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं उसमें से सिम कार्ड निकाल देता हूं तो कैसे पता चलेगा, स्टिल आई कैन फॉर्मेट माई फोन बाय गिविंग रिमोट कमांड टू दैट। सो यू कैन गो टू गूगल एंड कैन रीड इट देयर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू कैन फॉर्मेट योर फोन फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन, जस्ट उसको एक्सेस वहां पर होनी चाहिए। देन सर्टेन मोर फीचर्स, आप अपने फोन के अंदर कभी भी आप ये जो ब्लूटूथ है उसको ऑन मत रखिए, व्हेन यू यूज इट देन यू यूज इट, बिकॉज थ्रू ब्लूटूथ इट इज वेरी इजी फॉर द हैकर्स टू एक्सेस योर डिवाइस। पुश नोटिफिकेशंस को चेक करते रहिए, दो टर्म्स होती हैं, पुल टेक्नोलॉजी और पुश टेक्नोलॉजी। पुल टेक्नोलॉजी होती है जो आप ओपन करते हैं, आप खुद जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट पे जाके, अपने ईमेल में जाके आप उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज SMS is a push notification, SMS. मैंने आपको कोई SMS भेजना है, आपने तो नहीं मांगा था ना, मैं आपको भेज रहा हूँ और आपकी मशीन में आ रहा है, that is called as push notification, push technology. I'm pushing something to you, that is there. आरोग्य सेतु बुक, या आरोग्य, मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया आरोग्य सेतु को, आई हैव सम डिफरेंट ओपिनियन अबाउट वट दीज पीपल डू, सो
Yeah, they ask you to keep it, and that's why it becomes easy for the people. दीपक मिश्रा जी जैसे जो होनहार लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से कितना इजी है लोगों की इन चीजों को you know, उनकी इंफॉर्मेशन को पढ़ना उसके ऊपर से. और इंटरनेट आज की डेट में आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, लेट मी टेल यू. आज की डेट में आप अपने फोन को यदि ऑफ भी करके रखेंगे तो भी गूगल को पता है कि आप किस कुर्सी पे बैठे हैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट. दे हैव द सॉफ्टवेयर्स. फेसबुक कैन फाइंड यू बिकॉज ऑफ देयर देयर एप्लीकेशन. दे आर सो पावरफुल विद देम. आप लोग एक और काम कर सकते हो अपने डाटा प्रोटेक्शन के लिए. यू कैन सेट कंटेंट फिल्टर्स. और ये कंटेंट फिल्टर्स उस केस में बहुत अच्छा है जहां पर एक फोन है फैमिली के अंदर जिसको पेरेंट्स भी और बच्चे भी यूज कर रहे हैं. सो दैट दोज अनवांटेड वेबसाइट्स दे आर नॉट एक्सेसिबल. सो कंटेंट फिल्टर दैट कैन बी एक्टिवेटेड ऑन योर डिवाइस. और वो तो अभी मैंने आपको बताया, मैंने अपने फोन को 30 सेकेंड का वो करके, यदि 30 सेकेंड तक मैं अपने फोन के ऊपर कुछ चीज को नहीं प्रेस करूंगा इट विल गेट ऑटोमेटिकली लॉक्ड अनलेस आई देन यूज माई पास की इनटू इट फ्रॉम देयर. ओके. सो देन अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है बिफोर मैं सेशन को क्लोज करूं और आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं चीज दिखाऊं. आइडेंटिटी करने के लिए पहले तो आपको अपनी PII पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन ये डिसाइड करनी हो चाहिए कि आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं किस किस चीज में. जैसे आपकी स्पोर्ट्स हैबिट्स क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जैसे किसी को बता सकते हो कि आपको वॉलीबॉल बहुत पसंद है या आपको अरवी की सब्जी बहुत पसंद है ना, आप लस्सी पीना बहुत अच्छा लगता है आपको, ये चीजें शेयर कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट किसी को आप ये बताओ कि जी आपका BMI 24 है और आपका ये इतना एज है, इतनी वो चीजें हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है. डोंट शेयर दैम. यूज सिक्योर पासवर्ड. नेवर शेयर योर दीज थिंग्स द अदर थिंग्स. एंड वॉच आउट फॉर इम्पर्सनेटर्स. ये वाला वो आर्टिकल है आप किस तरीके से अपने गुम हुए फोन को ढूंढ सकते हो, उसको लॉक कर सकते हो और यदि वो फिर भी हो रहा है तो उसके अंदर जितना भी डाटा आप उसको फैक्ट्री फॉर्मेट के स्टेज पे ला सकते हो. आपका फोन तो आपको वापस नहीं आ सकता, वो तो गया. आपने जो 15-20 हज़ार लगे थे वो तो चले गए, बट जो आपका डाटा है वो ज्यादा महंगा है. आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है तो यू कैन इरेज योर फोन ऑल्सो. सो दैट इज देयर. नाउ बिफोर वी क्लोज एंड वी ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके लिए मैं आपको सिंपल टूल बताता हूँ. ओके. अब आप ये फोल्डर देख पा रहे हो. ये मान लीजिए आपने एक MS Word का डॉक्यूमेंट बनाया. यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट एज पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट. कैसे करना है? आपने यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया, सब्जेक्ट आपने लिखा प्रमोशन ऑफ. ओके. आकांक्षा टू हंसेगी वो. ओके. और इसके अंदर बताया कि यू विल बी पेड ₹5 लाख पर मंथ दिस दैट. है ना? अब आपको ये लग रहा है कि ये आपने खाली आकांक्षा को ही भेजना है. सो यू सेव इट. बट व्हाट डू यू डू? गो टू फाइल. और जब आप फाइल में जाते हैं तो ये जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली वी डू नॉट पे अटेंशन टू दिस पेज बट दिस इज योर प्रॉपर्टी पेज हेयर एंड हेयर इट इज द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट. कंपेटिबिलिटी मोड होता है दूसरे किसी वर्जन में, पुराने वर्जन में. मेरा वर्जन लेटेस्ट है MS Word का और यदि मैं इसको पुराने वर्जन्स में खोलना चाहूँ तो एज सच ये कुछ फॉर्मेटिंग इशू हो सकते हैं तो आई कैन कन्वर्ट इट टू ओल्डर वर्जन्स. दिस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स मीन्स यू कैन मेक इट रीड ओनली. दे कैन ओपन द फाइल बट दे कैन नॉट एडिट द फाइल. सेकेंड, यू कैन पुट ए पासवर्ड टू इट. सो यू जस्ट सिंपली क्लिक ए पासवर्ड, गिव ए पासवर्ड. ये पासवर्ड आप लगा के इसको सेव कर देंगे तो जिसको भी आप ये फाइल देंगे जब तक वो ये पासवर्ड नहीं डालेगा फाइल नहीं खोल सकता, कोई चांस नहीं है. बट इसमें खतरा है कि यदि आप खुद
वो पासवर्ड भूल गए तो आपसे दोबारा पूछ सकते हैं, बट यदि आप भी पासवर्ड भूल गए तो फिर गया। तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल इफ यू आर पासवर्ड प्रोटेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट, कीप इट नोटेड समवेयर एट ए सेफ प्लेस देयर। और इसमें आप जैसा पासवर्ड बनाएंगे, अपर लोअर जो भी कुछ भी आप डालेंगे, इट विल स्टिक एज सच, एंड दिस इज वेरी पावरफुल, इट कैन नॉट बी यू नो ब्रोकन फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद अलग कुछ और ये हैं, जैसे इसका इंस्पेक्शन इश्यूज, ये बड़ा इंस्पेक्शन इश्यूज इसके बड़े अच्छे हैं। पर्टिकुलरली इसमें मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमेंट्स हैं, रिव्यू चेंजेस करके आपने कुछ किया, तो वो उसको देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स में इसकी प्रॉपर्टी, जैसे अभी आप ये देखें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एंड ऑथर नेम, आपको यहाँ पे दिखेगा राइट में, आप ये देखिए ऑथर में अभी ये मेरा नाम दिखा रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट को कितने लोगों ने चेंज करेंगे यहाँ से। यदि एक बार मैंने किया, उसके बाद एड एन ऑथर, आई कैन एड अनदर पर्सन बिलो इट, मैं जितेंद्र जी का नाम ऐड कर सकता हूँ, किसी का भी नाम ऐड कर सकता हूँ, ये इतने बजे ये क्रिएट हुआ है, टोटल इसके अंदर इतने वर्ड हैं, इतने पेज हैं, ये अभी इसका साइज है। ऑल दिस प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस तरीके से सेम ऐसे ही है, ये भी है। और यदि सेम चीज दूसरे उसमें चलेगी, मान लीजिए आप एमएस एक्सेल आपने कोई शीट बनाई जिसमें सेंसिटिव स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आपने वो किए हैं, अगेन गोइंग हेयर, अगेन यू कैन प्रोटेक्ट योर वर्कबुक, गिव ए पासवर्ड टू इट, एंड देन सो मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दे कैन बी पीडीएफ के ऊपर आप पासवर्ड प्रोटेक्ट लगा सकते हो। सो देयर मींस दीज आर द इनबिल्ट फीचर्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर होते हैं और जिसकी सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर यू नो सम सिंपल टिप्स एंड टूल्स। थैंक यू वेरी मच सर for enlightening us and giving us the precious knowledge to save our data as well as documents. Thank you very much, sir.